नमस्कार मित्रों, ओम नमः सुभिदम। हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, जो हाँ आप एक ही दिन रह गया है महाशिवरात्रि का, और देख सकते हैं महाकाल का मंदिर बहुत ही अद्भुत। जो महादेव हैं स्वयं, उनके शिवलिंग बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छे से ये करोड़ों लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, और देख सकते हैं कितने अद्भुत ये इतने सुंदर हैं। जो महात्रिशूल भी है और महादेव का शिवलिंग जी भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है ये। और देख सकते हैं वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी भी गए हैं और उन्होंने अच्छे से दर्शन किए प्रभु के, और बहुत अच्छे से आरती की और भजन भी काफ़ी किया है, और बहुत खुशी से ढोल नगाड़ों के जरिए वहाँ पे खुशी मनाई गई है। महाशिवरात्रि की बहुत तगड़ी से तैयारियाँ चल रही हैं, बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाएंगे सभी भक्त। और देख सकते हैं महाकाल के भक्त आपको जानते ही हो, बहुत ही ज़्यादा खुशी, सभी को खुशी है महाशिवरात्रि की, और बेसब्री से इंतज़ार है जी। और बहुत ही अद्भुत हमारे महादेव जी लग रहे हैं, और प्रदीप मिश्रा जी भी गए हैं जो शिवपुराण कथा करते हैं, और देख सकते हैं इनकी शिवपुराण कथा भी अभी कुछ ही दिन कल परसों में विराम होती है, समाप्त हुई थी। और देख सकते हैं अब ये दर्शन करने आए, महाआरती कर रहे हैं महादेव जी के, बहुत ही अद्भुत। ये करोड़ों लाखों लोग भक्त हैं, बहुत श्रद्धालु, और काफ़ी दूर है ये मंदिर, और बहुत ही मनोकामना बहुत ही है इस मंदिर की, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। और देख सकते हैं दिखने में शेर वाली माँ के थोड़े से आकार हैं का, लेकिन नहीं, महादेव है ये। और देख सकते हैं सभी माताएं कितनी करोड़ों से ऊपर माताएं वहाँ पहुँची हैं, और बहुत ही अद्भुत ये धूमधाम से सभी उत्सव मनाने की तैयारियाँ हैं, बस महाशिवरात्रि का इंतजार है। और प्रदीप मिश्रा जी को सौभाग्य ही प्राप्त हुआ, वो खुद गए हैं दर्शन करने, महादेव जी का तिलक विलक अच्छे से किया, आरती की, और बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी महाकाल जी के मंदिर पर गए हैं, और बहुत ही अद्भुत से सभी ने आरती गाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो जल्द मिल सके।